आरा शहर के केंद्रीय विद्यालय के सीनियर छात्रों की दबंगई बुधवार को एक बार फिर देखने को मिली। सीनियर छात्रों द्वारा अपने ही स्कूल के जूनियर छात्र की जमकर पिटाई कर दी, इससे छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी छात्र नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा हाउसिंग निवासी 14 वर्षीय वेंकटेश है। बताया जाता है कि 12वीं के छात्रों के साथ 10वीं के छात्रों का विवाद हुआ था। छुट्टी के समय जब छात्र स्कूल कर घर जाने लगे, तभी सीनियर छात्रों द्वारा चारों ओर से घेर कर जमकर जूनियर छात्र की पिटाई कर दी गई। किसी तरह जख्मी छात्र जान बचाकर स्कूल से घर पहुंचा। जख्मी छात्र के अनुसार सीनियर छात्रों की संख्या 8 के करीब थी। हालांकि इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य का बयान नहीं मिल पाया है। वो मेरे क्लास के दूसरे बच्चे के साथ थी। किसके साथ थी? वो मेरे क्लास के हिमांशु नाम के एक लड़के से निखिल क्लास 12 पर लड़ाई थी। लेकिन निखिल का हिमांशु स्कूल से चला गया छुट्टी होते ही अपने गार्जियन के साथ, और वो चला गया। और फिर मैं हम समोसा खा रहे थे, और तब तक पीछे से आए दो बच्चे हमको मारने लगे। हम आगे भागे, एक आदमी को हाथ दिए, हमको आगे प्लेटफॉर्म पर पहुँचाए, फिर वहाँ रुकवा के हमको और मारने लगे और मार लगे। उसी बीच मेरे सर पे बहुत सर फटा बहुत जगह। किस चीज़ से मारा है? चाकू टाइप का कुछ था। फिर बच्चों की संख्या 8 से 10 थी, 12 के बच्चे थे। स्कूल कैंपस में मारे हैं? स्कूल कैंपस के पास मारे, स्कूल कैंपस के बाहर भी मारे। खींच कर लाए थे? हाँ। क्या नाम है आपका? वेंकटेश। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th। किस स्कूल में? केंद्रीय विद्यालय। ये 10th का छात्र है। स्कूल कैंपस से घसीट कर इसको बाहर ले गया गया। तमाम प्रचार से लेकर स्कूल के लोग दर्शक बने रहे, काफ़ी इसको बुरी तरह पिटा गया। सदर अस्पताल में यह भर्ती है और इसकी हालत गंभीर है। स्कूल प्रशासन को हमने सूचित किया, हमको दूसरे जगह से जानकारी उतरों दौड़े दौड़े आए, लेकिन प्रिंसिपल द्वारा फ़ोन ऑफ कर दिया गया। हम कलेक्टर से बात किए, डिप्टी डायरेक्टर से बात किए, क्लास टीचर से बात किए, लेकिन ऐसा अराजक माहौल केंद्रीय विद्यालय में होगा, ये शर्म की बात है। हमको कहते हुए शर्म आ रहा है, क्योंकि हम सोचे थे कि बहुत बढ़िया जगह अपना बेटा का एडमिशन कराए हुए हैं, वहाँ का माहौल शैक्षणिक वातावरण अच्छा होगा, लेकिन ऐसा घटिया माहौल जिसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। और मानवता समसार हो रही है कि प्रिंसिपल द्वारा जान के मोबाइल ऑफ कर दिया गया कि हम मुझे इसके संज्ञान में नहीं। क्या नाम है? आप क्या लगते हैं बच्चे के? हम बच्चे के पिता हैं और अपना दर्द आपसे हम बांट रहे हैं। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि सेंट्रल को भी जानकारी हो कि जो प्रिंसिपल है प्रचार्य हैं कितना अपने पद के प्रति, अपनी जिम्मेवारी के प्रति कितनी जागरूक हैं। हम सोच भी नहीं सकते हैं बिहार के शिक्षा मित्र भी इससे ज़्यादा संवेदनशील हैं, जितनी घटिया स्तर की प्रिंसिपल है। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? संतोष तिवारी।